एक अंधा इंसान जो कि मजार के बाहर बैठा हुआ था और 10 रोज से दुआएं मांग रहा था। तो वहां से एक बादशाह का गुजर हुआ, तो उसने कहा, क्या मांग रहे हो? तो उस नबीना इंसान ने कहा कि दुआ मांग रहा हूँ। तो बादशाह ने कहा, कबूल हुई? तो जी उसने फिर क्या कहा कि अभी तक तो नहीं हुई। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारे पास जो है 10 दिन का टाइम है, 1 दिन का टाइम है, तो नहीं तो फिर मैं जलाद को बुला के तुम्हारी गर्दन जो है वो उड़ा देता हूँ, कान से जुदा कर। तो वो इतने में वो जो इंसान था नबीना इंसान, तो वो जो दुआ मांग रहा था मजार के पैर, तो वो बड़ा परेशान हो गया और सजदे में गिरा, तो बड़ी जो है रोने शुरू हो गया और अल्लाह से रो रो के जो है गिड़गिड़ा के दुआएं मांगना शुरू हो गया। तो इतने में जो है टाइम जो बादशाह ने दिया था, तो वो टाइम मुकम्मल हुआ, तो वापस आया बादशाह मजार पे। तो जो नबीना इंसान था वो दुआएं मांग रहा था, या अल्लाह आंखें मुझे जो है वो अता कर दे। तो इधर बादशाह का आमद हुई और उधर जो है उसको आंखें अता कर दी गई अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो जब उसने ये सारा मंजर देखा, तो वो अंधा इंसान जो था वो उसे बादशाह को कहता कि आपने तो बहुत बड़ा कर्म कर दिया। तो बादशाह ने जवाब दिया, पहले तुम दुआ मांगते थे तो उस दुआ में वो तड़प नहीं थी, अब तुमने दुआ मांगी है तो अब तुम्हारी दुआ में तड़प थी, जिसकी वजह से जो है कबूल हुई।